नमस्कार, मैं हूँ राशिका बजाज और आप देख रहे हैं जीएन भारत। अभी मैं मौजूद हूँ झारखंड कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में और यहाँ पर आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के द्वारा जनता दरबार लगाया गया है। जनता की समस्या को सुना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता दरबार लगाया जा चुका है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सबकी समस्या सुन रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता सबसे बात कर रहे हैं, सबकी समस्या को भी सुन ही रहे हैं। तो आइए कुछ लोगों से सुनते हैं कि उनकी क्या समस्या है और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने उनको क्या आश्वासन दिया। मेरे पापा का पिछले साल कोविड में डेथ हो गया था, तो उसी के संदर्भ में जो वो अनुदान राशि था वो कई बार अंचल ऑफिस जाने के बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। तो उन्हीं का एप्लीकेशन किया तो सर ने अभी मेरे को DDC का नंबर दिया है, बोले कि इनसे जाके मिल लेने के लिए, उनसे बात भी हो गई है मेरी, तो बोले कि बात करवा दें, फर्दर प्रोसीजर जो होगा वो आगे कर देंगे। उसके बाद उन्होंने ये नंबर दिया, उनसे बात करके, अधिकारी से बात करके ये बताया कि आपका काम हो जाएगा, आप इनसे मिल लीजिए जाके। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ऑफिस में आके मेरे को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, वहाँ से जो भी फर्दर प्रोसीजर होगा वो क्विक एंड फास्ट में हो जाएगा। क्या समस्या है बताइए। हम लोग मैंने 6 साल से रांची जिला के अंतर्गत जितना भी PSC CSC है सभी में हम लोग सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और 6 साल काम करने के बाद में अचानक हम लोगों को हटा दिया गया। और क्यों हटाया गया ये कारण भी नहीं बताया जा रहा है। और 3 साल से हम लोग को सरकार केवल टाल रही है, आश्वासन देते हैं और छोड़ जाते हैं। तो आज भी लग रहा है कि यहाँ पे आए तो आपको आश्वासन दिया जाएगा, फिर वो पूरा होगा। आज तो डायरेक्ट बोल दिए मंत्री जी कि हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मंत्री जी डायरेक्ट खुलेआम बोल दिए कि इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, आप लोग CM साहब के पास जाइए। अब CM साहब के पास जाते हैं तो CM साहब कहते हैं कि हम आप लोग का काम कर दिए हैं, अब जो भी करेंगे विभागीय मंत्री जी करेंगे। तो आइए जानते हैं कि और लोगों का क्या कुछ कहना है। आपकी समस्या क्या है? वही सेम समस्या है। 155 वो लोग सुरक्षा कर्मी थे, वही हम लोग वही सेम जितना भी यहाँ बैठे हैं इस चैम्बर में वही समस्या लेकर आए हैं। जो अभी जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी बोले कि ये मंत्री मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से मिलिए, उनका ये है, यही बात तो है, आश्वासन ही मिल रही है। यानी 3 साल से हम लोग अभी यही कर रहे, इसका द्वार उसका द्वार यही करना, यही अभी तक हो रही है। अब देखिए अब आगे की क्या होती है। नहीं देखिए, आदरणीय हमारे प्रभारी हैं अविनाश पांडे जी, जो बहुत ही सुलझे हुए और काफ़ी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं और बड़े लोकप्रिय नेता भी हैं। उनके अनुभव का हम लोग लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं के दिशा निर्देश के तहत हम लोग जगह जगह पर सारे मंत्री, हमारे जितने कांग्रेस के मंत्री हैं वो सभी मंत्री हर जिले में जाके जन सुनवाई कर रहे हैं। और जब जन सुनवाई कर रहे हैं तो निश्चित है कि जनता के बीच में एक अच्छा संवाद जा रहा है सरकार के प्रति, और जनता को भी ये एहसास हो रहा है कि नहीं, हमारी बात को सुना जा रहा है। हमारे पास जो मुद्दे सब आते हैं, ज़्यादातर मुद्दे ऐसे हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित हैं, कुछ हैं पुलिस से संबंधित हैं, कुछ CO BDO से संबंधित है, जो अमूमन आम लोगों की जो समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं हैं कि किन्हीं का विवाह और इसमें गरीबी गुर्बत है तो उसको हम लोग जो है कन्यादान योजना से जोड़ रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री गंभीर योजना से जोड़ रहे हैं, किसी को आयुष्मान से जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारे आ रहे हैं। और मैं तो, आप खुद जानते हैं कि मैं तो जमशेदपुर में भी रहता हूं तो जनता के बीच में सुनते रहता हूं, यहां भी मेरे पास आते हैं तो मैं सुनता हूं। तो ये एक कांग्रेस की एक अच्छी प्रक्रिया है जिसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं। सर, नकली दवाई पर नकेल कसने की बात आपने कही है, बहुत बड़ी कार्रवाई की बात आप कर रहे थे, कई अधिकारियों को आपने कार्रवाई करने की बात की है, तो ये सर क्या पूरा मामला है? ये मामला है कि एक मामला हुआ था अभी कि कुछ दवाइयों का सैंपल हमारे ड्रग इंस्पेक्टर ने कलेक्ट किया था और उसको 4 कंपोनेंट में दवाई को जो लेबोरेटरी में जांच के लिए भेजा गया था, वहां पर भी जो है ड्रग माफियाओं ने उस लेबोरेटरी का भी ताला तो भी पता चल रही है कुछ अधिकारियों की। इसको लेकर मैंने तुरंत जो है एक कमेटी बनाकर जाँच करवाया था। उस जाँच में कुछ कुछ बातें आ रही हैं,
वो जांच रिपोर्ट अभी हमारे ACS साहब के पास है। मैंने कल ही उनसे कहा है कि आप तुरंत हमको जांच रिपोर्ट को तुरंत मेरे को भेजिए। मैं समझता हूँ आज या कल तक आ जाएगी, मैं इमीडिएट कार्रवाई करूँगा। और कार्रवाई ही नहीं करूँगा यदि उसमें जांच रिपोर्ट को बढ़िया से पढ़ लूँगा, यदि उसमें कुछ ऐसे वर्णित तत्व आएंगे कि यदि समझ में आएगा कि इस पर प्राथमिकी दर्ज करनी है या इसको और बड़ी जांच करानी है, तो उस पर भी हम गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। यहाँ पर ये झारखंड में नौजवान हमारा नया नस्ल जो है वो बर्बाद हो जाएगा ये सब में, दवाई के धंधे में, नशे के धंधे में, ये जो गलत तरीके से नशा, मैं तो ये कहूँगा वो दवाई नहीं है, उसको दवाई का नाम दिया जा रहा है लेकिन एक नशा का कारोबारी लोग जो है उसको धंधा बनाया है, उस पर हम बहुत ठोक के कार्रवाई करेंगे। सर दूसरे राज्यों से भी क्या? उत्तराखंड से भी आ रहा है, यहाँ पर लाया जा रहा है, यहाँ स्टोर किया जा रहा है, फिर यहाँ से उसको दूसरे तरफ ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो वो सब जो है सिरप उरप की बात है, बहुत तरह की बात है, कुछ ऐसी भी बात है जो मैं आपको सार्वजनिक नहीं कर सकता। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी ने क्या कहा और जनता ने क्या कहा, वो भी हमने आपको सुनाया। रांची से सहयोगी सोनू पांडे के साथ मैं राशिका बजाज, GN भारत। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।